What's up guys, this is Remo. तो ये रहा हमारा इंडिया एकदम सबसे हरा भरा और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इंग्लैंड में। जी आज हम कुछ औसम स्टार्टअप देखेंगे इंग्लैंड के जो कुछ हटिया कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में से। जैसे कि मैं आपके साथ यूनिक स्टार्टअप शेयर करता रहता हूँ ताकि हम देख सके और कुछ नया सीख सके कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज और नए इनोवेशन आ रहे हैं डेवलप कंट्रीज में, किस तरह के वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस माइंडसेट रखते हैं जहाँ पर सबको लगता है कि अब कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है, वहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज वो निकाल लेते हैं। तो बहुत कुछ नया देखने को और नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से, पहली बोल रहा हूँ आपको, आपके दिमाग के सारे तारे खुल जाएंगे आज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने फिफ्थ नंबर के स्टार्टअप से। इस स्टार्टअप का नाम है डायवर्सो। ये कुछ ज्यादा ही औसम स्टार्टअप है। अच्छा, हमेशा हर इंसान को लग्जरी कार या स्पोर्ट्स कार चलाने का ड्रीम होता है और हर किसी की कोई ना कोई एक फेवरेट कार जरूर होती है कि वो अपने लाइफ में उसको ऑन करे और उसको चलाए आगे जाकर। पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 90% लोगों का वो ड्रीम ड्रीम भी बनकर रह जाता है। पर यहाँ पर ये स्टार्टअप हेल्प में आ गया है। यहाँ पर ये नहीं कि आपको खरीद के देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आपको सिर्फ अपनी फेवरेट कार को ड्राइव करना है कि भाई एक बार तो रोल्स रॉयस या बेंटली चलानी है या उसमें बैठना है, तो सर यहाँ पर ये स्टार्टअप आपके हेल्प में आ गया है। तो इस स्टार्टअप ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पर कोई भी लग्जरी कार या स्पोर्ट्स कार, चाहे फिर वो रोल्स रॉयस हो, लैम्बो हो या ऑडी हो या रेंज रोवर हो, इनके प्लेटफॉर्म में कोई भी लग्जरी कार को रेंट पे दे भी सकता है और रेंट पे ले भी सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर लोगों को अपने ड्रीम कार ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस उनको इनसे कॉन्टेक्ट करना है और उस लग्जरी कार को आप रेंट पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, कितना प्राइस होता है या कितने अमाउंट देना पड़ेगा? अगर आपको रेंट पे कार लेनी है तो मेनली लग्जरी कार के अलग अलग रेट हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू, रोल्स रॉयस का एक घंटे का यूज करने का 1000 pounds है, यानी 1,00,000 rupees एक घंटे का। और ऐसे ही हर दूसरे लग्जरी कार के अलग अलग प्राइस रेट होता है। और अगर आप कार को कहीं पर भी डैमेज वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सारा डैमेज आपको भरना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा औसम स्टार्टअप है और बिल्कुल नया कंसेप्ट लेकर ही आए हैं मार्केट में। अच्छा, अगर थोड़ा सा पास से देखें स्टार्टअप को, तो 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। फंडिंग की बात करें तो अभी तक इन्होंने कुछ भी फंडिंग नहीं उठाई है। आज की डेट में इंग्लैंड और फ्रांस में इनकी मेन मार्केट है और 2019 में इन्हें क्रिएटिव बिजनेस का अवार्ड भी मिला है। रियली में बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टार्टअप है। जब मन चाहे जो लग्जरी कार पसंद हो उसे चलाओ। तो बस अब देखना यह है कभी अपनी सर्विस पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करते हैं। ऑल डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। अच्छा, अभी फटाफट चलते अपने फोर्थ नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है जिल्ज। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट पसंद आ जाते हैं या अच्छे लग जाते हैं, जैसे कोई फैशन क्लोथ हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया या कोई प्रीमियम स्मार्टफोन हो गया, पर जब उनका प्राइस टैग देखते हैं तो सारा मूड ऑफ हो जाता है। फिर सोचते हैं कभी बाद भी ले लेंगे जब पैसे वगैरह होंगे या कोई सस्ता चीज देख लेते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया ये स्टार्टअप। अच्छा, कैसे कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व? इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, चाहे आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के प्रोडक्ट पसंद आ गए हो, चाहे फिर अमेजोन हो, ईबे हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट हो, सबके प्रोडक्ट आप इजीली खरीद सकते हैं। बस आपको उस प्रोडक्ट को इनके ऐप में डाल देना है और फिर आप उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर सकते हो 4 या 5 पेमेंट में। जैसे कि 2000 rupees का प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं 300 या 500 rupees आपने पहले हफ्ते में दे दिए, फिर 500 rupees आपने दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में दिए, और फिर ऐसे अगले 500 rupees आपने अगले हफ्ते में दे दिए, और ऐसे आगे करके आप दे देंगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है और कब कब भरना है। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए यहाँ पर, या शायद आ भी रहा होगा, कि EMI या क्रेडिट कार्ड वाले भी तो यही सेम फीचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस स्टार्टअप की क्या जरूरत है? जी यहाँ पर वो हैवी इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और इस स्टार्टअप की खास बात यही है कि ये नो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कोई भी हिडन चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और इससे भी जबरदस्त बात यह है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या आप सेटिस्फाई नहीं होता उस प्रोडक्ट से, तो आप उस प्रोडक्ट को रिफंड भी करा सकते हैं, और यही इनके ऐप का बेस्ट फीचर भी है। अगर थोड़ा सा पास से देखें स्टार्टअप को, तो 2018 से स्टार्टअप पे काम चलना चालू हो गया था। अभी तक $40 million के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। आज के डेट में इनकी मेन मार्केट यूरोपियन कंट्रीज में है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, टर्की, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में है। तो बहुत बड़े तरीके से फैल रहे हैं और बहुत आराम से स्केल किया जा सकता है स्टार्टअप को। तो और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। तो फटाफट चलते अपने तीसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है फंडामेंटल VR। ये बहुत ज्यादा औसम स्टार्टअप है। अच्छा, ज्यादातर जब कोई डॉक्टर्स अपने ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, जैसे सर्जरीज वगैरह हो गए या ऑपरेशन वगैरह हो गए, तो वहाँ पर सारी प्रैक्टिकल चीजें या ट्रेनिंग्स के लिए उन्हें रियल बॉडी की जरूरत पड़ती है, जिसमें वो ऑपरेशन वगैरह या सर्जरीज वगैरह सीख पाएं। पर जैसे कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अब इस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है वर्चुअल रियलिटी ऑपरेशन, जिसमें एक वर्चुअल बॉडी होगी और इंटर्न डॉक्टर्स सारी लाइव ऑपरेशन या सर्जरीज वगैरह इस वर्चुअल बॉडी में करके सीख सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल जैसे एक रियल बॉडी में चीजें होती हैं, वैसे ही सेम इनके VR के थ्रू एक्सपीरियंस होगा। और इससे भी बड़ी बात, यूजर्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और कई सारी नई नई चीजें भी सीख सकते हैं ह्यूमन बॉडी से। इस स्टार्टअप से एक और फायदा हो रहा है, इंग्लैंड में जो भी डॉक्टर्स वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑपरेशन वगैरह करना मास्टर डिग्री में सीखते हैं, पर इस स्टार्टअप के थ्रू वो हाई स्कूल या कॉलेज वगैरह में वर्चुअल रियलिटी बॉडी से सीख सकते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बिना किसी डर के, और डॉक्टर वगैरह भी अपने स्किल्स को ब्रशअप वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा यूजफुल स्टार्टअप माना जा रहा है आज की डेट में ये लोगों के लिए।
अगर थोड़ा सा पास से देखें स्टार्टअप को तो 2012 में स्टार्टअप पे काम चलना चालू हो गया था और अब जाके रिसेंट ईयर्स में ये इंग्लैंड में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। अभी तक $10 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। अगर इनकी मार्केटिंग बात करें तो आज की डेट में इंग्लैंड में इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और रिसेंटली इन्होंने अमेरिका में भी अपनी सर्विस लॉन्च करी है और वहां भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, तो बहुत तेजी से ही आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कभी इनकी सर्विस पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होती है। तो और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इसी स्टार्टअप का नाम है फाइंडर। अच्छा, हर एंटरप्रेन्योर जो एक इनिशियल लेवल में होता है या जिसने अभी अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करा होता है उसे एक चीज की हमेशा नीड रहती है कि खास मेरे साथ कोई को-फाउंडर होता जिससे मैं ट्रस्ट कर सकता या बिजनेस के अप एंड डाउन को शेयर कर सकता और बहुत सारे चैलेंजेस को हम आसानी से ओवरकम करते हुए चलते। और आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट रहते होंगे कि एक अच्छा को-फाउंडर है बिजनेस पार्टनर कहां पर मिलेगा या कैसे ढूंढे उसको, तो बस यहीं पर ये स्टार्टअप हेल्प में आता है। इन्होंने सिंपल से एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर एंटरप्रेन्योर्स अपने सही और परफेक्ट बिजनेस पार्टनर को ढूंढ सकते हैं कि किस टाइप की क्वालिफिकेशन वाले को-फाउंडर आपको चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, या एक अच्छा CFO चाहिए कि वो पैसा वगैरह भी इन्वेस्ट करे स्टार्टअप बिजनेस में। आप इनके कंसेप्ट को कुछ कुछ कनेक्ट कर सकते हैं मैचिंग या डेटिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे टेंडर हो गया या Salary.com हो गया। अच्छा, सिंपल सा बस आपको इनके प्लेटफॉर्म में अपनी जरूरतें डाल देनी है कि भाई मेरा एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, मुझे ऐसा बिजनेस पार्टनर चाहिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो एग्रीकल्चर फील्ड की, वो थोड़ा बहुत पैसा भी लेकर आए साथ में, यानी खाली हाथ आ जाए बस। ये स्टार्टअप इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि एक तरह से आपका बहुत ज्यादा एफर्ट्स टाइम और मनी बचता है क्योंकि एक परफेक्ट बिजनेस पार्टनर को ढूंढने में जो एक तरह से आपकी तरह सोचता हो, सेम आपकी जैसा एटीट्यूड रखता हो, वो ट्यूनिंग बैठाने में, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व करा है, तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है इनका और एक जबरदस्त मार्केट को इन्होंने टैप करा है। अगर थोड़ा सा और करीब से देखें स्टार्टअप को तो मार्च 2020 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी स्टार्टअप को। और अगर फंडिंग की बात करें तो $150 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है, वो भी बल्कि बहुत जल्दी मिल गई इनको। मेन मार्केट इनके आज की डेट में इंग्लैंड और अमेरिका में है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो जब यूजर को सही और बेस्ट बिजनेस पार्टनर मिल जाता है या उनका मैच हो जाता है तो उन्हें छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है एज अ फीस। तो बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कभी पूरी दुनिया में फैलते हैं। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। तो अभी हल्के हल्के बढ़ते अपने इस लिस्ट के पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है अर्बन एयरपोर्ट। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कार से व्हीकल्स की रेस में सभी कार कंपनीज लगी पड़ी हैं, पर इससे भी तगड़ी एक और रेस चल रही है फ्लाइंग व्हीकल्स की। चाहे आप USA ले लो, दुबई ले लो, चाइना ले लो या जापान ले लो, एक न एक स्टार्टअप आपको फ्लाइंग व्हीकल्स बनाने वाले आपको देखने को मिली जाएंगे। पर इस स्टार्टअप ने थोड़ा सा कुछ हटके किया है। ये सबको पता है कि आने वाले टाइम में फ्लाइंग व्हीकल्स का कंसेप्ट रियल हो जाएगा और हर जगह फ्लाइंग व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगी। यूबर और स्कैटराइव जैसे स्टार्टअप तो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं आज की डेट में, पर इन व्हीकल्स के लिए एक पार्किंग एरिया भी तो होना चाहिए ना। जैसे सेम आप कहीं पर भी रोड में अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर फाइन वगैरह कटेगा, गाड़ियों के लिए जैसे सेम पार्किंग लॉट बने होते हैं वैसे सेम ये अर्बन एयरपोर्ट स्टार्टअप फ्लाइंग व्हीकल्स के लिए पार्किंग लॉट बना रहा है। इन्होंने ठान लिया है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइंग व्हीकल्स के लिए अगर पार्किंग लॉट बने तो उसमें हमारी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए सबसे ज्यादा। और आज की डेट में इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप में चल रहे हैं, मार्केट बहुत ज्यादा यूनिक पकड़ी इन्होंने। अच्छा, आज की डेट में 3 तरीके के पोर्ट्स ये दे रहे हैं, जैसे अगर मरीन या पानी वगैरह में पार्किंग लॉट चाहिए तो वहां पर भी मिल जाएगी, फिर अगर टॉप में या कहीं पीक में पार्किंग चाहिए तो वहां पर भी मिल जाएगी, या फिर कहीं लैंड में चाहिए तो वहां पर भी इजिली मिल जाएगी। तो ये स्टार्टअप पूरी तैयारी में लगा पड़ा है फ्लाइंग व्हीकल से कंसेप्ट को रियल में बनाने में। अगर थोड़ा सा करीब से देखें स्टार्टअप को तो 2016 से स्टार्टअप पे काम चलना चालू हो गया था। $10 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। आज डेट में इनकी मेन मार्केट इंग्लैंड में है और आने वाले सालों में जल्दी अमेरिका में भी एक्सपेंड कर देंगे। और ज्यादा डिटेल इन्होंने डिस्क्लोज करी नहीं है अभी, तो बस अब देखना यह है कभी अपने कंसेप्ट को पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो चेकआउट मारो उनकी वेबसाइट में। तो ये था कुछ इंग्लैंड के यूनिक स्टार्टअप जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। और आपको कैसे लगे स्टार्टअप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा होगा, भर दो उसको।